फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी भी है, तो मैं सुबह को मॉर्निंग में पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा धूल वगैरह बाहर रखी रहती हैं तो हो जाती हैं। तो फिर मैं एक कोना डेकोरेट करूँगी तुलसी विवाह के लिए, तो मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ, बालकनी में ही करूँगी, तो वहीं पे ही मैं पहले सब साफ वाफ करके, क्योंकि पूजा वगैरह होगी यहाँ पे, तो सब साफ कर लूँगी मैं। और तुलसा वगैरह पे धूल मिट्टी हो जाती है, तो थोड़ा सा वो भी उसको भी धुल के पत्ते वत्ते सही हो जाएंगे उसके। तो फिर बाद में फिर शाम को नीचे भी मंदिर में भी तुलसी पूजा होनी है, तो लड्डू गोपाल के लिए भी इन्विटेशन आया हुआ है। ये है मेरी तुलसी माता के कपड़े जो मैं पहनाऊंगी। ये साड़ी है, ये चुन्नी है। हो गई ना रेडी? लड्डू गोपाल को भी ये ड्रेस अच्छी लगती है अपनी, खुश हो जाते हैं लड्डू गोपाल पहन के। अभी जाएंगे, अभी मेरा लड्डू गोपाल रेडी हो गए हैं, पूजा कर दिया मैंने अभी सुबह की, तो अभी उसके बाद मैं फिर खाना रेडी कर लेती हूँ। आज प्याज लहसुन बिना ही बनेगा, क्योंकि भोग लगता है, तो मैं बस वही बनाऊंगी। थोड़ा सिंपल ही बनाती हूँ मैं आज के दिन, ज़्यादा नहीं, तो बस बिना प्याज लहसुन का बनाना है, क्योंकि आज के दिन का बहुत महत्व होता है। मैंने सब्जी वगैरह में तड़का लगा देती हूँ, टमाटर वगैरह कट कर लिए हैं मैंने, और मसाले वगैरह आलू टमाटर ही बनाने हैं। थोड़ा सिंपल में मैं पहले भी आपको कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए आज मैंने डिटेल में नहीं दिखाया। और साथ में मैं पूड़ी बनाऊंगी, और आज चावल का भी नहीं बनता है भोग, चावल यूज नहीं करते हैं किसी भी कुछ भी बनाने में, तो मैंने मखाने की खीर वगैरह बनाई है और यही बनाई है, बस आलू टमाटर और पूड़ी की सब पूड़ी बनाई है साथ में। और अभी हो गई है शाम, शाम होने पर मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, तुलसी माता का विवाह करा देती हूँ। जितना मुझसे होता है बस उतना ही कर पाती हूँ मैं, वही अब दिन शाम वगैरह दिए वगैरह जला देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर नीचे जाएंगे, तो उसके बाद फिर बाद में ही जाऊँगी, पहले अभी घर पे सब वो करके। ये मैंने तुलसी माता को श्रृंगार का सामान वगैरह भी चढ़ाया है, ये अलग से सब सामान रख दिया है मैंने, सिंदूर वगैरह है, इत्र है, चूड़ी वगैरह, बिंदी वगैरह। और इसको हम चूड़ी को तो
तुलसी माता को पहनाई दूंगी मैं, वो उनकी उस पे, और बिंदी भी लगा दूंगी, और फिर बस ये गठबंधन करके मैं फिर अपनी तुलसी माता को प्रसाद वगैरह का भोग लगाऊंगी। और तुलसी माता से मेरी यही मनोकामना रहती है कि हमारी सारी मनोकामना पूरी करती रहे, ऐसे ही हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। अब मैं दिए वगैरह जला के सब जगह रख दूंगी, क्योंकि पूजा मेरी करने के बाद फिर दिए वगैरह पूरे घर में रोशनी हो जाती है, जैसे दिवाली बनती है। बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे दिवाली हो आज दोबारा। तो दिए वगैरह मैं पूरे जलाती हूँ, बाहर भी अंदर भी सब जगह। और दिए वगैरह जलाने के बाद अब मैं आरती करूँगी। और मैंने लड्डू गोपाल को ही बैठाया है, क्योंकि मेरे पास में शालिग्राम या विष्णु भगवान की फ़ोटो नहीं थी, और मैं मुझे मिल भी नहीं पाई, तो मैंने बस इस लड्डू गोपाल को ही बिठा के उन्हीं का स्वरूप मान के मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। और अब मैं भोग प्रसाद वगैरह सब पूजा के बाद मैं चढ़ा दूँगी, और उसके बाद फिर मैं बस मंदिर जा रही हूँ। यहाँ पे आ गए हैं, काफी भीड़ हो रखी है, और पंडित जी इनकी कहानी वगैरह सुना रहे हैं।
अब पूजा खत्म हो गई है और अब सब दर्शन करके प्रसाद लेकर घर पे जा रहे हैं वापस। हम आ गए हैं, तुलसी विवाह हो गया है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और अब मेरे लड्डू गोपाल भी कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? सब ने बहुत सुंदर सुंदर बताया मेरे लड्डू गोपाल को। अब अच्छे से दर्शन हो गए, तुलसी माता बहुत सुंदर लग रही थी तो अच्छे सब बहुत अच्छा हुआ। अभी आज की मेरी वीडियो इतनी थी, आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय बाय।